हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक माइक्रोमैक्स 50 इंच का एक एलईडी टीवी है, जिसमें फॉल्ट क्या है पहले अच्छा से देखो। स्विच ऑन करता हूँ, देखिए स्टैंड बाई लाइट आया, इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज करूंगा। देखिए क्या फॉल्ट है, आप पहले अच्छा से देखो, उसका बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर होगा। पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर होगा। देखते रहिए दोस्तों क्या फॉल्ट है। देखिए लाइनिंग आ रहा है ना, कैमरा में आ रहा है क्लियर। और इसको देखिए मेनू प्रेस करूंगा, मेनू प्रेस किया क्या हो रहा है देखिए। तो दोस्तों ये फॉल्ट कैसे रिपेयर होगा पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये जो काम हो रहा है दोस्तों, मेरा जो अपडेट प्रोग्राम चल रहा है उसी प्रोग्राम में काम होगा, रिपेयर होगा। जो टेक्नीशियन यहाँ पर आएंगे वो खुद रिपेयर करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मार्च मंथ का लास्ट वीक, अप्रैल मंथ का लास्ट वीक, मई मंथ का लास्ट वीक, आप ऐसा काम खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मेरा जो नंबर है स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों ये आप कन्फर्म हो सकता है, आपका जो पैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको 100% क्लियर करता हूँ। दोस्तों वो जो माइक्रोमैक्स 50 इंच का एलईडी टीवी आप देख रहा था, पिक्चर जिटरिंग हो रहा है, देखिए इसमें एलजी त्रिकोण लगा हुआ है, त्रिकोण का पार्ट नंबर देख लीजिए, उसका बाद मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। देखिए त्रिकोण का पार्ट नंबर क्या है, एलजी डिस्प्ले है 50 इंच का, पार्ट नंबर है 6870-0481A हैलोजन 3। तो V14 60 हर्ट्ज का पैनल है, ए फुल एचडी सेट है, बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, ए 49 USD है, ठीक है। तो ये फॉल्ट क्या है पहले तो देखा, तो इस त्रिकोण में थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सब्जेक्ट है, वो मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, आप पूरा देखते रहिए। पूरा देखते रहिए दोस्तों, पावर ऑन करूंगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आप इसमें देखेंगे। देखिए स्विच, पावर स्विच ऑन करिए, ऑन किया है ना, ठीक है ऑन हो गया, स्टैंड बाय रिलीज हुआ। देखिए सबसे पहले वोल्टेज देखिए, 12 वोल्ट 12 वोल्ट इज ओके। उसका बाद देखिए यहां पर आपका वीजीएच पॉइंट है ना, वीजीएच पे वीजीएच वोल्टेज इज ओके। उसका बाद देखिए वीजीएल वोल्टेज इज ओके। उसका बाद देखिए वीडीडी जो एवरीडी वोल्टेज होता है वो भी प्रेजेंट, एवरीडी वोल्टेज इज ओके। उसका बाद देखिए एच एवरीडी ए भी प्रेजेंट। उसका बाद देखिए VCC, इसमें देखो VCC, VCC में क्या है 1.8 वोल्ट, 1.787 आप 1.8 वोल्ट की मान के आपको चलना पड़ेगा, 1.8 वोल्ट है ओके। तो इसमें आप 3.3 वोल्ट नहीं मिलेंगे, ये याद रखिए, इस त्रिकोण में 3.3 वोल्ट नहीं होगा, 1.8 वोल्ट से पूरा ऑपरेटिंग होगा। इसका इंटरेस्टिंग जो नॉलेजेबल वीडियो है यही। इसका बाद जो पिक्चर का जो डिस्टरबेंस हो रहा था उसको आप यहाँ पर देखेंगे, वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो हम लोगों को सब नॉलेज है जो ओवर इवेंट रहेगा, इसमें चेंजेस होता रहेगा, तो चेंजेस हो रहा है ना, एक पॉइंट में हो रहा है और देखिए दूसरा पॉइंट में हो रहा है, देखिए सॉरी दूसरा पॉइंट में हो रहा है ना, देखिए मेरा ये सिग्नल सही है, तो इसको मैं चेंज करके देखा, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, दूसरा फॉल्ट क्रिएट हो गया चेंजेस करने के बाद। ऐसे आप सब जानता है, मैं बहुत बार मेरा वीडियो में पहले वीडियो में मैं दिखाया इसी टाइप का, जो ये डायरेक्ट VGL का साथ और डायरेक्ट VGH का साथ कनेक्ट कर देंगे,
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो VGL VGH का साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद सेट रेडी नहीं होगा, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो उसी टाइम देखिए, इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा, वो मॉडिफिकेशन स्क्रीन में एक सेकंड तीन सेकंड के लिए आएंगे, मैं एनिमेशन का तरफ आपको देखाऊंगा, आप देखेंगे तो आपका काम कर पाएंगे। तो मैं आपको देखाऊंगा, प्रॉमिस्ड। इसमें पूरा ओपन करना पड़ेगा, इसका एक मॉडिफिकेशन करूंगा, ये मॉडिफिकेशन आप पहले देखा नहीं। तो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसी प्रोग्राम में ऐसा नॉलेज आप खुद सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है, मार्च मंथ का लास्ट वीक, अप्रैल मंथ का लास्ट वीक, मई मंथ का लास्ट वीक, पैनल का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा तरीका से वर्किंग प्रोसीजर किया है, कैसे वर्क करता है, कितना टाइट पैनल है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा, पिक्चर हो गया, उसका बाद आप देखेंगे मिडिल में कोई टाइम वो एनिमेशन इमेज स्क्रीन पर आएंगे। वीडियो स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आप बताएंगे सर आप दिखाया नहीं, ऐसा मत करो, आप पूरा वीडियो देखिए, आप नॉलेज हो जाएगा। ओके, देखते रहिए दोस्तों, इसको मॉडिफिकेशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वो जो 50 इंच माइक्रोमैक्स टीवी आप देख रहा था, वो पूरा मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, एनिमेशन का तरफ देखेंगे, इसमें एक नॉलेजेबल एंड कॉम्प्लीकेटेड मॉडिफिकेशन है, वो मैं किया है, वो वीडियो का बीच में 2 टाइम मैं इसको कराऊंगा, आप देख पाएंगे। उसका साथ साथ दोस्तों, जो बिग अनाउंसमेंट है, मेरा बहुत सारे आदमी मुझे फोन किया था, जो सर आपका, मैं बहुत दूर में हूँ, आपका ऑफलाइन प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस सब को टेक्नीशियन के लिए मैं एक प्रोग्राम सेटिंग किया है, स्पेशल प्रोग्राम ओनली फॉर पैनल, 1 मंथ वीकली 3 डे 2 आवर्स क्लास होगा, वीकली 3 डे 1 मंथ 2 आवर्स क्लास होगा। तो वो जो स्टार्ट होगा अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक से, तो आप उसी प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है, ये पैनल खुद रिपेयर करना चाहता है, जो मॉडिफिकेशन आप देखेंगे, आप उसका बाद आप सोचेंगे यहाँ पर मैं कैसे अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ और कैसे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उसी प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है, स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, और मेरा जो ऑफलाइन प्रोग्राम है, मार्च मंथ का लास्ट वीक, अप्रैल मंथ का लास्ट वीक, मई मंथ का लास्ट वीक, वो मेरा ऑफलाइन प्रोग्राम है, उसमें भी आप अटेंड कर सकता है। जो यहाँ पर आने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसा बहुत टेक्नीशियन मुझे फोन किया है, सर मैं बहुत दूर में हूँ, क्या करूँ? मैं उसको बोला ठीक है, आप नेक्स्ट ऑनलाइन जो क्लास होगा, मेरा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ऑनलाइन भी मैं ऑफलाइन का तरह कोशिश करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, आप एग्री है, आपका इच्छा है, तो मेरा जो मेरा साथ कनेक्ट रहना चाहता है, तो मेरा ऑफलाइन प्रोग्राम सॉरी ऑनलाइन प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप देखते रहिए आपका जो माइक्रोमैक्स 15 इंच का क्या मॉडिफिकेशन किया है, पूरा डिटेल्स आप देखिए, वीडियो कंप्लीट करिए, नहीं तो मिस हो जाएगा, आप कमेंट में बताएंगे सर पूरा नहीं देखाया। ओके, देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, जो माइक्रोमैक्स टीवी आप देख रहा था, वो पूरा रेडी हो गया, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए सेट ऑन किया है, देखिए परफेक्ट डिस्प्ले आया है ना। थोड़ा सा मैं आपको मूवी ऑन करके देखाऊंगा, अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आया है ना, USB में है, तो इसको मूवी करिए, देखिए एंड्रॉइड में दो, ओ सॉरी इसको नहीं है, इसको मैं यहाँ पर दो, सॉरी ये क्या हो, यहाँ पर ऑन करो, पिक्चर सही चल रहा है ना, देखिए दोस्तों, ऐसा काम आप खुद करना चाहता है, ये जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन किया है त्रिकोण के ऊपर, ये जो त्रिकोण आप देखा, इसमें VCC 3.3 वोल्ट आप नहीं मिलेंगे, ये 1.8 वोल्ट भी पूरा काम होता है। ऐसा पिक्यूलेटिव नॉलेज आप खुद काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम में
आप अटेंड कर सकता है। मैं आपको पूरा पैनल का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा।